कोरबा में जिला अस्पताल में नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत होकर दो युवक जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे। इलाज कराते वक्त अस्पताल के कर्मचारियों से बेवजह विवाद करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने स्टाफ पर ही हमला बोल दिया। इस घटना में कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिले के स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों दहशत में है। वे भयभीत होकर ड्यूटी करने को मजबूर है। अस्पतालों में असामाजिक तत्वों के उत्पात से चिकित्सक और स्टाफ सहमे हुए हैं। जिला अस्पताल में नशेड़ियों ने दुस्साहसिक तरीके से अस्पताल स्टाफ पर ही हमला कर दिया। इस घटना में कर्मचारियों को भी काफी चोटें आई। अब इन लोग रूम में घुसे हुए हैं और घुसने के बाद में मैं सोया हुआ था। इन लोग लात मार के उठाए, लात मारने के उठाने के बाद में इनको बोला कि ड्रेसिंग रूम यहाँ नहीं है, वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, तो आप वहाँ चले जाओ। इतना ही मैं उनको बोला हूँ, उसके बाद में बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत दो युवक इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान कर्मियों से बदसलूकी करने लगे। विरोध करने पर नशेड़ियों ने पहले जमकर हंगामा किया और फिर हमला कर दिया। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अराजक तत्वों को शांत कराया। क्योंकि इन लोग का हरकत देख के सोच सकते हो कि मेरे 4 से 5 टका लग चुका है। उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि जो इंसान ड्यूटी पीरियड में है और उनके ऊपर घातक वार हो रहा है, तो भाई कोई भी स्टाफ रहेंगे तो उनके ऊपर भी हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर बोलिएगा तो मेरे को एनी टाइम यहाँ पर चारों दिशा में गार्ड चाहिए, पहला चाहिए, कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ ना हालत में खास करके। कुछ इसी तरह की घटना कोरबा के रानी धनराज कुंवर अस्पताल में सामने आई। यहां पर दो गुटों के झगड़े का सामना अस्पताल के स्टाफ को करना पड़ा। भयभीत कर्मचारियों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वहीं अब जिला अस्पताल में सामने आए बदमाशों के उत्पात से अस्पताल का माहौल अशांत हो गया है। देखना होगा कि इस संवेदनशील मामले पर पुलिस क्या रुख अख्तियार करती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।